हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीके ट्रिक्स। इस वीडियो में हम रीट एग्जाम्स या फिर आरटेट एग्जाम्स के लिए मनोविज्ञान के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। रीट के सिलेबस में टोटल 5 यूनिट है, ये आपको पता होगा। हम अभी यूनिट 3 पर चल रहे हैं। फर्स्ट और सेकंड यूनिट के वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है, आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं हमारे पिछले वीडियो। और कंटिन्यूसली फॉलो रखें इस सीरीज़ को, निश्चित ही आपको काफ़ी अधिक बेनिफिट मिलेगा। और एक स्टूडेंट है, मैं उनका नाम यहाँ पर मेंशन करना चाहूँगा, उनका नाम है गोल्डी यादव। इनकी काफ़ी अच्छी हैबिट है कि ये हर क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में देते हैं, तो आप भी अपनी हैबिट बनाएं इसी प्रकार की, ये हैबिट आपको काफ़ी अधिक बेनिफिट देगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम व्यक्तित्व के क्वेश्चन देखेंगे और मेरा सेल्फ एक्सपीरियंस है कि रीट एग्जाम में 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं व्यक्तित्व से संबंधित, तो जितने अधिक क्वेश्चन मिलाए जाए व्यक्तित्व से संबंधित वो कम है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विरोधी प्रक्रिया सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, तो इसके प्रतिपादक कौन थे? इसके प्रतिपादक थे सोलोमन व कॉर्बिट, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। किस सिद्धांत के अनुसार शरीर की समस्त प्रतिक्रियाओं के मूल में अभिप्रेरणा रहती है? तो क्वेश्चन को अगर आप ढंग से पढ़े तो आप अपना आंसर लगा सकते हैं, शरीर की समस्त, तो ये सिद्धांत कौन सा होगा? ये होगा शारीरिक सिद्धांत, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पर्सोना शब्द का अर्थ है। तो पर्सोना शब्द का अर्थ होता है मुखौटा या फिर बाहरी आवरण, नकली मुखौटा या फिर नकली आवरण या फिर बाहरी आवरण। और ये जो पर्सोना शब्द है ये लैटिन भाषा का शब्द है और इसी से बना है पर्सनैलिटी शब्द, और पर्सनैलिटी का हिंदी में अर्थ होता है व्यक्तित्व। नेक्स्ट दे रखा है व्यक्तित्व होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, जन्मजात होता है, अर्जित होता है या फिर दोनों? जन्मजात व अर्जित, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है। व्यक्तित्व हमेशा जन्मजात व अर्जित होता है, लेकिन अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि बुद्धि क्या होती है, बुद्धि जन्मजात होती है, अर्जित होती है या फिर दोनों, तो बुद्धि हमेशा जन्मजात ही होती है, बुद्धि को अर्जित नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट देखते हैं, आत्मकथा विधि है किस प्रकार की? तो आत्मकथा विधि है एक प्रकार की अप्रक्षेपी विधि, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। जीवन व्रत विधि के प्रवर्तक हैं, तो इस क्वेश्चन का डिस्कशन हमने पिछले वीडियो में किया था, तो जिन स्टूडेंट ने भी पिछला वीडियो देखा है इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दे, और जो फर्स्ट बार देख रहे हैं वो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, जिस प्रश्नावली में हाँ या ना में उत्तर दिए जाते हैं उसे कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं बंद प्रश्नावली, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। जब एक ही विषय पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं तो उसे कहा जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है? संरचित कहा जाता है या फिर असंरचित, नियंत्रित या फिर अनियंत्रित, तो यहाँ पर ये 2 ऑप्शन तो पहले ही कट हो जाते हैं, नियंत्रित भी यहाँ पर कट हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही होगा। यानी जब एक ही विषय पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वो किस श्रेणी में आएंगे? संरचित में, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट दे रखा है, समाजमिति विधि के प्रवर्तक हैं, तो इस क्वेश्चन का भी डिस्कशन हमने पिछले वीडियो में कर दिया था, तो इसका आंसर भी आपको कमेंट सेक्शन में देना है। यहाँ पर आपके लिए मैं आसान कर देता हूँ, ये 2 ऑप्शन कट कर देता हूँ, ऑप्शन में ए या फिर सी, इन दोनों में से ही करेक्ट आंसर छिपा है। नेक्स्ट देखते हैं, अभिव्यक्ति परीक्षण का निर्माण किया था, तो अभिव्यक्ति परीक्षण का निर्माण किसने किया था? इसका निर्माण किया था मैकओवर ने, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। उत्तर प्रदेश की मनोवैज्ञानिक शाला में किया गया था, तो क्या किया गया था? प्रक्षेपी विधियों का अनुकूलन, प्रक्षेपी विधियों का भारतीय अनुकूलन, अप्रक्षेपी विधियों का अनुकूलन या फिर TAT का अनुकूलन, यहाँ पर इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रक्षेपी विधियों का भारतीय अनुकूलन किया गया था उत्तर प्रदेश की मनोवैज्ञानिक शाला में। नेक्स्ट दे रखा है, कोलकाता की उमा चौधरी ने TAT के 30 चित्रों में से कितने चित्रों का अनुकूलन किया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो उमा चौधरी जी ने किया था, यहाँ पर इसका सही आंसर है 14 चित्रों का भारतीय अनुकूलन, ऑप्शन नंबर 14 यहाँ पर सी सही है 14। नेक्स्ट दे रखा है, व्यक्तित्व को परिभाषित करने वाले कारक जिसमें बुद्धि है, अभिरुचि है, अभिप्रेरणा है, अभिवृत्ति है और महत्वाकांक्षा आदि किस प्रकार के कारक हैं? तो ये जो कारक हैं ये किस प्रकार के हो सकते हैं? क्या ये सामाजिक कारक हैं? नहीं। जैविक कारक है? नहीं। क्या ये जन्मजात कारक है? ये भी नहीं, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होगा, मनोवैज्ञानिक। नेक्स्ट देखते हैं, स्वप्न विश्लेषण विधि के प्रवर्तक हैं, तो स्वप्न विश्लेषण विधि के प्रवर्तक कौन है? ये हैं ऑप्शन नंबर ए फ्रायड। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है,
नेक्स्ट दे रखा है, टी का भारतीय अनुकूलन किसने किया था? ये किया था उमा चौधरी ने, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट दे रखा है, स्वप्न साहचर्य एवं मुक्त साहचर्य विधि के प्रवर्तक हैं। ऑप्शन में दे रखे हैं वंट, स्किनर, फ्रायड और यंग। तो मुक्त साहचर्य विधि के प्रवर्तक हैं ऑप्शन नंबर सी फ्रायड। आपको जरूर ये ध्यान रखना इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक न्यायालय का न्यायाधीश थॉर्नडाइक के वर्गीकरण के अनुसार सम्मिलित किया जाएगा विचार की दृष्टि से किसमें? फर्स्ट बात आप ये ध्यान रखें कि थॉर्नडाइक ने व्यक्तित्व के तीन वर्गीकरण बताए थे, कौन कौन से? अगर आपको वो पता है तो आप अपना इन चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन कट कर सकते हैं। तो थॉर्नडाइक ने तीन वर्गीकरण बताए थे, प्रत्यक्ष विचारक, सूक्ष्म विचारक, स्थूल विचारक। तो ऑप्शन नंबर डी तो पहले यहाँ पर कट हो जाता है। तो अब हम इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट। प्रत्यक्ष विचारक यानी घटनाओं का प्रत्यक्ष रूप से अवलोकन करते हैं। सूक्ष्म विचारक यानी तार्किकता के आधार पर विचार करते हैं। स्थूल विचारक यानी लाभ व हानि के दृष्टिकोण से विचार करते हैं ऐसे लोग। तो यहाँ पर न्यायाधीश किस प्रकार का होगा? न्यायाधीश हमेशा तार्किकता पर आधारित होकर विचार करते हैं यानी सूक्ष्म विचारक। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, एक व्यक्ति जो लाभ हानि इत्यादि का अनुमान लगाकर कार्य करता है उसे थॉर्नडाइक के अनुसार माना जाएगा। तो उसे क्या माना जाएगा? अभी हमने ऊपर इसके बारे में डिस्कस कर लिया है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्थूल विचारक में। नेक्स्ट देखते हैं, व्यक्तियों को स्वभाव के आधार पर चार विशिष्ट समूह या वर्गों में बांटने का प्रयास किया, और ये वर्ग हैं कफ प्रवृत्ति वाले, काले पीत वाले, पीले पीत वाले, अधिक रुधिर वाले। इस वर्गीकरण को प्रस्तुत करने वाले विद्वान हैं। तो ये विद्वान कौन है? ये विद्वान है हिपोक्रेट्स। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है। तो इन्होंने जो व्यक्तित्व के वर्ग बताए थे वो आप ध्यान रखें, कफ प्रवृत्ति वाले, काले पीत वाले, पीले पीत वाले और अधिक रुधिर वाले। नेक्स्ट देखते हैं, किसी व्यक्ति के ईगो द्वारा यदि इड व सुपर ईगो पर नियंत्रण नहीं रखा जाए अथवा इड ईगो और सुपर ईगो उचित नियंत्रण नहीं रखे तो वह ग्रसित हो जाएगा। तो ये सभी मन से संबंधित प्रक्रियाएं हैं। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, मानसिक असंतुलन। नेक्स्ट दे रखा है, व्यक्तित्व की बाहरी आकृति लंबाई को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि कौन सी है? तो ये ग्रंथि कौन सी है? ये ग्रंथि है ऑप्शन नंबर बी, थायराइड ग्रंथि। तो आपको ध्यान रखना है, व्यक्तित्व की बाहरी आकृति लंबाई को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि है थायराइड ग्रंथि। नेक्स्ट दे रखा है, निम्न में से व्यक्तित्व अधिगम की प्रक्षेपी विधि नहीं है। तो कौन सी नहीं है? रोजा परीक्षण या फिर TAT परीक्षण, मनोभिन्न विधि या फिर समाजमिति। तो यहाँ पर प्रक्षेपी विधि नहीं है, ऑप्शन नंबर डी, समाजमिति। नेक्स्ट दे रखा है, व्यक्तित्व व्यक्ति के उस अति विशेषतापूर्ण संगठन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसमें व्यक्ति की संरचना, व्यवहार के ढंग, रुचियों, अभिवृत्तियों, क्षमताओं, योग्यताएं सम्मिलित होती हैं। तो यह परिभाषा प्रस्तुत की थी। तो ये परिभाषा किसने प्रस्तुत की थी? रेक्स रॉक्स, कैटल, मन या फिर वॉरेन ने। तो ये परिभाषा प्रस्तुत की थी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है, मन के द्वारा। तो कीवर्ड के रूप में यहाँ पर आप ध्यान रखें मन। मन कोई भी कार्य करेगा किसके अनुसार? रुचियों के अनुसार, अपने ढंग से करेगा। तो ये कीवर्ड के रूप में आप ध्यान रख सकते हैं, ढंग, रुचियाँ, अभिवृत्तियाँ, क्षमताएँ, योग्यताएँ। नेक्स्ट देखते हैं, व्यक्तित्व शब्द का प्रयोग व्यक्ति के शाब्दिक, मानसिक, नैतिक व सामाजिक गुणों के सुसंगठित और गत्यात्मक संगठन के लिए किया जाता है जिसे वह अन्य व्यक्तियों के साथ अपने जीवन के आदान प्रदान में व्यक्त करता है। यह परिभाषा प्रस्तुत की। तो यह परिभाषा किसने प्रस्तुत की थी? ड्रेवर, वुडवर्थ, वैलेंटाइन या फिर कैटल। तो यह परिभाषा प्रस्तुत की थी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा, ड्रेवर ने। तो कीवर्ड के रूप में आप यहाँ पर क्या ध्यान रखेंगे, क्योंकि इतनी बड़ी परिभाषा आपको याद भी नहीं हो सकती, आप जो भी चाहे यहाँ पर कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर सजेस्ट करूँगा, फर्स्ट आप ध्यान रखें शाब्दिक, यहाँ पर यही फर्स्ट लाइन वाले आप वर्ड ध्यान रखें, शाब्दिक, मानसिक, नैतिक और सामाजिक गुणों, फिर सुसंगठित और गत्यात्मक संगठन भी आप ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, किस मनोवैज्ञानिक ने अपनी परिभाषा में व्यक्तित्व के ज्ञानात्मक, भावात्मक व क्रियात्मक पक्ष पर बल डाला? तो ये किन्होंने डाला था?
ये बल डाला था आईजेक ने। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको ध्यान रखना है। इन्होंने व्यक्तित्व के ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक पक्ष पर बल डाला था। जिस व्यक्ति में रुधिर की मात्रा अधिक, कर्मठ, असहिष्णु, शीघ्रगामी व आदर्शवादी होने के लक्षण हो, वह हिपोक्रेट्स के किस वर्गीकरण में सम्मिलित होगा? तो ये किस वर्गीकरण में सम्मिलित होगा? ये सम्मिलित होगा ऑप्शन नंबर ए, कफ प्रवृत्ति वाले में। तो कफ प्रवृत्ति वाले लोगों की विशेषता होती है जो यहाँ पर ऊपर दे रखी है, रुधिर की मात्रा अधिक होती है इनमें, कर्मठ होते हैं, असहिष्णु होते हैं, शीघ्रगामी होते हैं, आदर्शवादी होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, संवेगात्मक व शारीरिक रूप से कमजोर व्यक्तित्व वाले जो व्यक्ति होते हैं वो हिपोक्रेट्स के किस वर्गीकरण में सम्मिलित होंगे? तो ये सम्मिलित होंगे काले पीत वाले में, ठीक है, इस वर्गीकरण में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। तो काले पीत वालों की ये विशेषता है, शारीरिक रूप से ये कमजोर होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट दे रखा है, संवेगात्मक रूप से सशक्त किंतु शारीरिक रूप से कमजोर व्यक्ति हिपोक्रेट्स के किस वर्गीकरण में सम्मिलित होंगे? तो ऑप्शन यहाँ पर दो दे रखे हैं, इन दोनों में से ही यहाँ पर करेक्ट आंसर दे रखा है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर है पीले पीत वाले। तो आप ध्यान रखें, पीले पीत वालों की विशेषता क्या होती है? ये संवेगात्मक रूप से सशक्त होते हैं किंतु शारीरिक रूप से ये कमजोर होते हैं। शारीरिक रूप से सबल तथा संवेगात्मक रूप से स्थिर व्यक्ति को हिपोक्रेट्स ने कहा है। तो क्या कहा है? ये क्या है? अधिक रुधिर वाले। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है। तो अधिक रुधिर वालों की विशेषता है, शारीरिक रूप से ये सबल होते हैं और संवेगात्मक रूप से स्थिर। नेक्स्ट देखते हैं, स्थूलकाय, पुष्टकाय, कषकाय तीनों के लक्षण जिस व्यक्ति में प्राप्त हो उसे क्रेश्मर ने कहा है। तो उसे क्रश्मर ने क्या कहा है? उसे कहा है मिश्रित काय। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। शक्तिहीन, मोटे, आराम तलब व्यक्ति सेल्टन के अनुसार हैं। तो ये क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गोलाकार। सेल्टन ने तीन प्रकार बताए थे, कौन कौन से? गोलाकार, आयताकार और लंबाकार। और गोलाकार की ये विशेषता होती है कि ये शक्तिहीन, मोटे, आराम तलब होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट दे रखा है, कमजोर व शक्तिहीन, लंबे, दुबले, पतले और निराशावादी, असामाजिक व्यक्ति सेल्टन के निम्न वर्गीकरण में सम्मिलित होते हैं। तो किस वर्गीकरण में ये सम्मिलित होते हैं? ये होते हैं लंबाकार में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा। सामाजिक कार्यों में कम रुचि लेने वाले, शांत तथा शर्मीले स्वभाव के से युक्त व्यक्तित्व हैं। तो ये किस प्रकार का व्यक्तित्व होगा? ये होगा अंतर्मुखी, जो सामाजिक कार्यों में रुचि नहीं लेता हो और शर्मीले स्वभाव का, वो होगा अंतर्मुखी। नेक्स्ट देखते हैं, अंतर्मुखी व बहिर्मुखी का मिश्रण कौन सा व्यक्तित्व है? तो ये कौन सा व्यक्तित्व है? ये है उभयमुखी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। और हमारा लास्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से स्प्रेगर ने व्यक्तित्व को कितने भागों में विभक्त किया था? तो स्प्रेगर ने व्यक्तित्व को टोटल 6 भागों में विभक्त किया था। तो ये 6 भाग कौन कौन से है ये देख लेते हैं, जो कि स्प्रेगर ने दिए थे। इन्होंने सबसे पहले बताया था व्यक्तित्व का प्रकार सैद्धांतिक, दूसरा राजनैतिक, थर्ड आर्थिक, फोर्थ धार्मिक, फिफ्थ सामाजिक और सिक्स्थ बताया था इन्होंने सौंदर्य अनुभवी। वापस देख लेते हैं, सैद्धांतिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक, सामाजिक, सौंदर्य अनुभवी। तो ये इनके प्रकार भी आपको ध्यान रखने हैं। और इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसा लगा है? अगर अच्छा लगा है और हेल्पफुल लगा है तो इसको शेयर जरूर करें। उन स्टूडेंट को तो जरूर शेयर करें जो कि रेट की प्रिपरेशन करते हैं, और अगर आप अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो काफ़ी अधिक आप बेनिफिट में रहेंगे, क्योंकि वैकेंसी काफ़ी कम है, तो आपको तैयारी भी उतनी ही अच्छी रखनी है। प्लेलिस्ट में जाके आप पुराने वीडियो जरूर देखें, बार बार रिवाइज करें और अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखें। इस वीडियो में इतना ही है। वीडियो सुनने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।